तो जब से एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स का डीवोल्यूशन हुआ है, कंफ्यूजन सा रह गया है कि भाई एक्सिस आईओ सेल क्रेडिट कार्ड को बंद करा दें, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को बंद करा दें, भाई इसी प्रकार से और भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, अमेजोन क्रेडिट कार्ड, तो इन सब क्रेडिट कार्ड को क्या हम बंद करा देंगे? इस तरह से जो है काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डीवोल्यूशन के बाद जो है बहुत यहाँ जो है बुरी तरह से डीवोल्यूशन हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मित, तो आज के इस वीडियो में इसी बिगेस्ट डीवोल्यूशन के बाद जो है एक्सिस बैंक पर क्रेडिट कार्ड पर क्या है मेरी स्ट्रेटजी, मैं आपको उसी को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नया होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड अदर के स्पेंडिंग में आपको जो है 1.5% का कैशबैक देगी। डीवोल्यूशन के बाद आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। तो अगर हम इसको देखा जाए तो HDFC बैंक के टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड से यहाँ कंपेयर किया जाए तो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड भी 1.5% का यहाँ नियो कॉइन देती है। तो टाटा न्यू इन्फिनिटी इज़ लुकिंग बेटर देन एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये जो है टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड आपको UPI पर भी 1.5% का नियो कॉइन्स देती है। तो यही रीज़न है कि टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ये जो है इक्वल आ गया है, बराबर सा आ गया है। तो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए तो वीडियो के एंड तक तो आपको पता लग ही जाएगा। तो इसी प्रकार से हम फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के भी यहाँ बात करेंगे। तो अदर के कैटेगरी पर पहले आपको 1.5% का कैशबैक मिला करता था, लेकिन ये डीवोल्यूशन के बाद सिर्फ आपको 1% का कैशबैक मिलेगा अदर के कैटेगरी में, जो कि अमेजोन पे या ऐसे क्रेडिट कार्ड के बराबर है। तो लेकिन यहाँ बात किया जाए, फीस की बात करेंगे तो अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड इस लाइफ टाइम फ्री। ऑन दी अदर हैंड फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो है चार्जेबल क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिला है या लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तभी आपको रखना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को चार्ज दे के लेने से कोई फायदा नहीं है, दिस कार्ड इज़ नॉट गुड अगर आप इसके लिए चार्ज पे कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाए तो ठीक है, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को भी लेना चाहिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी है लाइफ टाइम फ्री है तभी उसको रखना चाहिए। तो और अगर आपको ना ही फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड रखना है और ना ही अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड रखना है तो कैशबैक एशबैक कार्ड बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको ये कार्ड मिल जाता है तो आपको ना ही फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना ही अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड। कैशबैक एशबैक कार्ड 5% का कैशबैक आपको दे देती है दोनों पर। मैं अपनी यहाँ बात करूँगा तो मेरे पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, तो अदर के कैटेगरी में 1.5% का कैशबैक दे मिलती थी, फिर भी मैं इस कार्ड को ना के बराबर जो है यूज़ करता हूँ। तो इसके अलावा मैं जो है अदर के कैटेगरी में एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ किया करता था। अब रही बात की जो फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है, फ्लिपकार्ट पर ग्रोसरीज पर 5% का कैशबैक देती है, तो फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक इज़ नॉट एनफ फॉर ग्रोसरीज। तो फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी जब भी ग्रोसरीज पर यहाँ ऑफर्स वगैरह चलते हैं तो ग्रोसरीज पर भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पे ही ऑर्डर प्लेस आपको करना चाहिए। अदर बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं तो अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स वहाँ ऑफर शो कर दिए जाते हैं, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। अब रही बात की एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड की, यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी एयरटेल एक्सिस क्रेडिट कार्ड में हर महीने का जो कैशबैक है ₹100 कैशबैक यहाँ जो है डीवैल्यू कर दिया गया है। यानी कि पहले ₹300 और जो है 300 ऐसा करके अलग अलग जगहों पे जो है अलग से 300 का कैशबैक मिला करता था, लेकिन ₹100 का यहाँ डीवोल्यूशन कर दिया गया है। तो अगर आप जो है एयरटेल के सारे ही सर्विसेज लेते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है आपको जो है एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड इज़ स्टिल नॉट बैड, तो अदर के स्पेंडिंग के लिए कोई और आपको कार्ड आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप रिचार्जेस और बिल पेमेंट्स के लिए अब जो है हर फ्राइडे को अमेजोन पे पर 20% का ऑफ आपको जो है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर देखने को मिलता है। तो ये भी 20% का ऑफ जो है बिल पेमेंट्स पर कब तक जो है ₹100 का ऑफ मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑफर कभी भी एंड हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से ऑफर है, लेकिन ये रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर ऑफर है। अब हम बात करेंगे एक्सिस ICICI रुपए क्रेडिट कार्ड। तो इस कार्ड की हम बात करेंगे तो इस कार्ड का फीचर की बात किया जाए तो ICICI के आउटलेट पर आपको 4% का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है। इस कार्ड का जो फीस को आप वेव अप कराने के, यानी कि एनुअल फी को वेव अप कराने के लिए पहले सिर्फ जो है 50,000 सालाना खर्च करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ डीवोल्यूशन के बाद यहाँ पे जो है हर साल आपको 3.5 लाख आपको स्पेंडिंग करना पड़ेगा एक साल में, तभी जाके आपका एनुअल फी वेव होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक फ्यूल क्रेडिट कार्ड से इतना स्पेंडिंग करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये कार्ड आपके लिए आपको जो लाइफ टाइम फ्री मिला होगा या लाइफ टाइम फ्री मिल रहा होगा तब तो ये कार्ड रख लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोई और कार्ड दूसरा कार्ड आपको देखना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से जो है ICICI बैंक का HPCL सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड है। अगर आप नियर बाय कोई HPCL का आउटलेट्स होगा तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ₹200 का आपको जो है हर बिलिंग साइकिल का जो है रियल कैशबैक इस कार्ड पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई फीचर्स इस कार्ड को देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक का IOCL रुपए क्रेडिट कार्ड भी अच्छा क्रेडिट कार्ड है आपको जो है IOCL पर स्पेंडिंग करने के लिए। इन माई ओपिनियन यहाँ इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो सिर्फ जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट सेल के लिए जो है कोई एक आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको रखना चाहिए। कोई एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रख लो बस, जो वो कार्ड आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट में काम करे। बस आपके पास कैशबैक एशबैक कार्ड आपके पास होना चाहिए। कैशबैक एशबैक कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा या फिर इसकी लिमिट कम होगी तो आप जो है कोई जो है लाइफ टाइम फ्री अमेजन पे ICICI क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री अगर मिल जाए तो ये दोनों कार्ड रहे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए कॉम्बिनेशन हो सकता है। कई बार क्या है कैशबैक कैशबैक कार्ड की लिमिट जो है बहुत कम होती है, लिमिट कम रहेगी तो फिर आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो कैशबैक कैशबैक कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही आपको 5% का कैशबैक देगी। तो अदरवाइज आप जो है HDFC बैंक का जो है एक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड भी है, उस कार्ड पर भी जो आपको जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको 5% का कैशबैक या रिवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के डीवोल्यूशन के बाद मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, कौन सा कार्ड रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, हमें जो है किस तरह से क्रेडिट कार्ड को जो है यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक किस तरह से लें, कम मैनुअल फ़ी पेमेंट्स करना पड़ेगा, इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।